अपना ईमेल पे क्लिक किया, ईमेल आईडी जो भी मेरा है मैं वहाँ यहाँ पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है विद माय प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ दोबारा से प्रेस एंड होल्ड करेंगे नीचे, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो है इनसाइट चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पोस्ट हमारा बहुत अच्छा मार्केट में। वेलकम टू डिजिक्लॉक इंडिया। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम अकाउंट में लेकर चलते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। अगर आपके पास पहले से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसमें ये चीज़ें प्रोसेस जो है हमारी बहुत ईजीली हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हो पाता है डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर। चलो तो सबसे पहले आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ आप नीचे जो है इस पर थोड़ा प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा। चलो मैं होल्ड करके प्रेस करता हूँ और देखो यहाँ पे ऐड एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पर आ रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ आप अपना यूज़र आई डी जो नेम है वो अपना डाल दो। वही नेम आपका यहाँ पर क्या होना है, डिस्प्ले होने वाला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिख देना है, वो भी बिल्कुल सही सही अच्छा वाला नाम लिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, वैसे आप भी अपना लिख देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपने जो भी सेट करना है वो आप सेट कर लो, जो भी आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड होगा वो यहाँ सेट कर लो, यहाँ पुट कर दो और यहाँ आपका जो पासवर्ड में डाल के ऐड न्यू फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में क्लिक करके आप आगे का स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, बट मैं ईमेल के साथ चलता हूँ तो मैंने अपना ईमेल पे क्लिक किया। ईमेल आईडी जो भी मेरा है मैं वहाँ यहाँ पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ कंफर्मेशन कोड जो है वो मेरे ईमेल आईडी पे चला जाएगा और यहाँ मैं आप ड्रॉप करके दिखा देता हूँ कि ये मेरी ईमेल जो है वो आ चुकी है और मैं इस पर क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा आप देखोगे यहाँ मेरा जो कोड है वो विजिबल हो रहा है। कॉपी करूँगा इस कोड को, कॉपी करके मैं वापस जाऊँगा अपने इंस्टाग्राम में और वहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा आपको नेक्स्ट का बटन ओपन हो जाएगा, क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। आप देख रहे हैं कि आपका जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे बस स्किप करना है, इसको स्किप करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट को भी स्किप कर दो। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना इसको ऐड करता हूँ, अपने यहाँ देख पा रहे हैं टेलरिक्स जो भी मेरा एक नाम है एक फ़ोटो है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है विद माई प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ दोबारा से प्रेस एंड होल्ड करेंगे नीचे, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, मेरा एक और अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें दोबारा क्लिक करके अपना अकाउंट पूरा देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप है वो खत्म हो गया है। अब हमारा जो अकाउंट है अगर मैं उसको प्रोफेशनल वे में अपना रखना चाहूँ, क्योंकि अभी क्या है बाई डिफ़ॉल्ट पर्सनल अकाउंट बन गया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट बन जाए, तो उसके लिए क्या करना है वो स्टेप देखने वाले हैं आगे में, ठीक है। तो कन्वर्ट योर अकाउंट, तो हम क्या करेंगे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके सबसे पहले नीचे आप देख रहे हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ क्लिक करने पर ही आपको डायरेक्ट आपको कुछ ऑप्शन आएगा, आप इसको आगे फॉरवर्ड करिए। फॉरवर्ड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। आपको अपना कोई भी जो बिजनेस है उसको डिस्क्राइब करना, किस टाइप का बिजनेस है आपका, वो बिज़नेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्योंकि मेरा क्लोथिंग का है तो मैं एक तरीके से क्लोथिंग ब्रांड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे वही क्लोथिंग ब्रांड हमारा आगे शो भी होने वाला है, तो हम इसको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, मतलब एक तरीके से क्या करने वाले, बिजनेस है, क्रिएटर है, तो मैं बिजनेस के साथ जाऊँगा क्योंकि लगभग दोनों सेम ही होता है, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ आगे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको बिजनेस का जो है ईमेल आईडी है वो पूछा जा रहा है, तो आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। फ़ोन नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो डिस्प्ले होने वाला है बिजनेस का क्या एड्रेस होने वाला है आपका, वो एड्रेस आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि कोई अगर आपके शॉप पे आना चाहे, वो देखना चाहे, तो वो देख भी पाए आकर। तो आप अपना पूरा डिटेल, सिटी जो भी आपका है, पिन कोड, वो सारी चीज़ें आप क्या करो यहाँ पे अपडेट कर दो। तो ये अपडेट यहाँ हो गया, मैं डन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से अब क्या है मेरा, देख रहे हैं आप किस तरीके से ऑप्शन जो है डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो को इनेबल कर देना। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है दिखने लग जाएगा। तो नेक्स्ट करके आप यहाँ पे स्किप करिए और जो आपका
एक तरीके से जो अकाउंट है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो आप इसको क्रॉस करके देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, प्रोफाइल में आपकी ये डिटेल्स जो है दिखने लग गई हैं आपके प्रोफेशनल अकाउंट में। अब तीसरा जो हमारा स्टेप है, ऐड योर इंस्टाग्राम बायो। तो अब क्या करेंगे हम, अपना बायो देख रहे हैं किस तरीके से बायो दिख रहा है आपको, ये डिटेल्स कैसे आपके वहाँ विजिबल होंगी, उन चीज़ों को हम ऐड करने वाले हैं। तो एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके जो आपका नाम है, जो आपके बिजनेस का नाम है, वो नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, जिस नेम से आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस नेम डाल के आपको टिक करना है। फिर आपको वेबसाइट, मैं क्या करता हूँ, मेरे वेबसाइट मैं अपने फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ, अगर मेरा बना हुआ है तो इस URL को खोल लेते हैं। यहाँ URL पे कॉपी जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। आपको दोबारा वापस जाना है, वापस जाके इंस्टाग्राम पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ क्लिक करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, आपका पेस्ट हो गया। बायो में जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो आप चीज़ें देना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से अपना लिख देना और इसको यहाँ से टिक करके सेव कर देना। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आयो हो गया है। ठीक है, अब चाहते हैं आपका व्हाट्सएप जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको जाना है कॉन्टैक्ट ऑप्शंस में और यहाँ जाके आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर देंगे। तो अगर आपका व्हाट्सएप नंबर आपका ऐड नहीं है तो अभी ऐड कीजिए, अगर ऊपर विजिबल हो रहा है तो बस आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक करके उसको ऐड कर देना है। अब सेंड कोड में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक कोड आएगा, पुट द कोड हियर, आपको कॉपी करके कोड को यहाँ पे डालना है। जैसे आप कोड डालेंगे, आपको कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप है वो आपका जो है इंटीग्रेट हो जाएगा आपके इंस्टा के साथ। तो अब आप सारी डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ टिक करो, सेव करो और आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल्स जो है मेरी क्या हो रही हैं, विजिबल हो रही हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ पोस्ट डालना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने एक पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट डालता हूँ। तो चलो पोस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी आपको पोस्ट चाहिए आप वो पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, जो भी मेरा इमेज है, प्रोडक्ट है, जो भी है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एरो में क्लिक करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हो कोई एडिट करना तो एडिट कर लो, अदरवाइज फिर एरो पे आप क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो जैसे वो आगे हो गए, यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, उसकी डिटेल हो सकती है, तो डिटेल आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं डिटेल पुट कर रहा हूँ, आप भी अपने डिटेल्स पुट करो और साथ में हैशटैग जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने रिलेटेड कस्टमर्स को टारगेट कर पाए जो सेम प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हैशटैग्स यहाँ पे ऐड करने हैं, आपने हैशटैग्स ऐड करने हैं और उसके बाद इसको टिक करके सेव करना है। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे, आपका पोस्ट जो क्या है मार्केट में चला जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पोस्ट है यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये ऐड क्या हो गया, हो चुका है हमारा पोस्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पोस्ट को देखना चाहें किसी दूसरे के अकाउंट में जाके, तो हम कोई अकाउंट खोलेंगे, सर्च पे जाएंगे और अपना जो ब्रांड नेम है उसको हम सर्च करेंगे। तो देखें, आप सर्च करेंगे तो आपका बिजनेस आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो पोस्ट जो है आपका विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आपका पोस्ट क्या होगा, मार्केट में विजिबल हो जाएगा और यहीं से लोग उसको लाइक एंड शेयर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में अगर हम जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं जो हमने डिटेल फिल करी थी वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अगर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा, आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर आपको मैसेज करके, या जिसको अगर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मैसेज करके आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे, जो डिटेल आपने यहाँ पे डाली है, और आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको उसका इनसाइट देखना है, ठीक है, तो आप इनसाइट पे जाके देखो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सी ऑल पे जाएंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पोस्ट था जो मैंने डाला है, और उसके बाद वो पोस्ट मेरा किस तरीके से कितना उस पर आ रहा है डिटेल, वो देख पाए थे आप। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाके आप जब सी ऑल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने कुछ और पोस्ट डाली और कुछ टाइम बाद आने के बाद जब मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देख पा रहे हैं रीच अकाउंट, ईमेल आईडी जो भी मेरा है, ठीक है, उसके बाद टोटल करने के बाद ये सब चीजें यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अकाउंट रीच्ड हो गया हमारा। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, लास्ट 30 डेज का। अगर आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डेट का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं चेंज करके। तो यू गेट नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी देखना चाहें तो क्लिक करो, प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करो और उसके बाद आप देख पाएंगे कि मैं पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का भी डिटेल जो है क्या कर रहा हूँ, चेक कर पा रहा हूँ। लाइक हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है, उसको अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो शेयर वाला हो गया, सेव करना चाहूँ तो सेव वाला, और अकाउंट रीच भी मैं देख सकता हूँ कि कितने अकाउंट तक वो रीच हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को लेकर, और मार्केट में इस तरीके से अपनी रीच क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो देखा कितना इजी है। अब आप क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक को कनेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने इंस्टा पे डालेंगे वो आपके फेसबुक में भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो आपका समय बचेगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट भी हो जाएगा, तो वो देखते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता लगेगा किस तरीके से वो चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आओ अपने थ्री लाइंस डॉट पे क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको नीचे बिजनेस में आना है, क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको आना है कॉन्टैक्ट और क्रिएट, कनेक्ट या क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। कनेक्ट और एग्जिस्टिंग पेज, ठीक है। तो कनेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग पेज में जाने के बाद कंटिन्यू क्लिक कीजिए, पेज अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। और आपको जो भी पेज है उसको यहाँ से ऐड करना है बाय क्लिकिंग यस यस। तो यहाँ पेज हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद करते हैं डन। तो जैसे डन पे क्लिक करेंगे आपका जो क्या है पेज जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका पेज कनेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको बैक एरो पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप अपने पेज पे आ जाइए। और अब हम क्या करते हैं, दोबारा से पोस्टिंग करते हैं। तो प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, स्टोरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई स्टोरी ऐड करने के लिए स्टोरी पे क्लिक किया। और यहाँ से हम कोई भी स्टोरी के लिए इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारा क्लब में प्रोडक्ट हो गया। पब्लिश करने के आगे एरो पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेयरिंग ऑप्शन, और यहाँ शेयर टू फेसबुक एवरी टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमेशा आपका पोस्ट जो है वो फेसबुक पे भी शेयर होने लग जाए। तो इस पे क्लिक करो, क्लिक करके उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे आपका जो पोस्ट है ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा फेसबुक और इंस्टा दोनों पे। तो अगर यहाँ पे आप, मैं अपने आइकन पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए मेरा जो स्टोरी है वो किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं अपना फेसबुक पे आता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ अगर अपने आइकन पे और व्यू स्टोरी चेक करता हूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो पोस्ट है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने, दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। कैसे हम अपने डिटेल्स को जो है शेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो है इनसाइट चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा पोस्ट हमारा बहुत अच्छा मार्केट में विजिबल हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कितना ईजी था ये, ठीक है। तो अगर आप भी अपने पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस है उसको इंस्टा पे लेके जाना चाहते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इजीली ये सारे चीज़ें कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पर लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।